वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम की लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से ट्रक में लकड़ी भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने यह कार्रवाई की। वहीं टीम को देखते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ये मामला खटीमा का है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि आम की लकड़ियों को भरकर एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने नानक मत्ता डैम के किनारे बसी मच्छी झाला बस्ती के पास मुख्य मार्ग से जा रहे एक ट्रक को रोका। टीम को देखते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वन विभाग के DFO संदीप कुमार ने बताया, अवैध तरीके से आम की लकड़ी ले जा रहा ट्रक टनकपुर की ओर से आ रहा था, जिसे सितारगंज रोड मच्छी झाला के पास वन कर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया है। जल्द ही मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आम का ट्रक पकड़ा गया है, ये टनकपुर से जो है वो होके आ रहा था, इसको अंदर बीच में पकड़ा है और इसमें जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। धारा 26 में जो है इसमें केस काटा है और अपराधी के विरुद्ध इंक्वायरी ऑफिसर इसमें नियुक्त किया गया है और इसमें जो है एक्चुअली एग्जैक्ट असेसमेंट जो है वो आपको ये पूरा ट्रक है और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।